ब्रेकिंग न्यूज। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टीएम मेमोरियल में। तो गाइज, एक ब्रेकिंग न्यूज निकला है सीबीएसई की तरफ से। तो वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है आप जानना चाहेंगे, तो इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हो। क्या पूछ रहा हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ क्या है। सीबीएसई 10th रिजल्ट 2020 अपडेट। सीबीएसई विल डिक्लेयर द क्लास 10th रिजल्ट टुमारो। यानी कल रिजल्ट निकल जाएगा गाइज। जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उसकी तो मतलब कुछ नहीं। यानी कल क्लास 10th का रिजल्ट निकल जाएगा सीबीएसई का। और ये कौन बोला है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है। और ये कन्फर्म कर दे, ये लाइन आप देख पढ़ सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ कन्फर्म दैट द सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टुमारो। ठीक है, यानी सीबीएसई भी कल क्लास 10 का रिजल्ट निकाल देगा। और जो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको लिए भी दिया है कि किस तरह उनका रिजल्ट बनेंगे। तो देखिए, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बी कंडक्टेड। अरे रुकिए, मैं समझा रहा हूँ, कहाँ भाग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में का एग्ज़ाम दिया है, कोई 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, तो 2 सब्जेक्ट जो बचे हैं उसका मार्क्स कैसे होगा। तो उन तीनों का एवरेज लिया जाएगा। मतलब अगर उन तीनों में 70 एबव आया है, 80 आउट ऑफ 70 एबव आया है, तो उस दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को भी 70 दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो अगर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, वो था कि 3 से ज़्यादा अगर दिया, किसी का एक बार छूट गया था ना, 2 छूट गया था, वो अब 5 में से किसी का सिर्फ 3 दे पाए, यानी जो बच्चे सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम अपियर कर पाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए क्या है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द बेस्ट टू परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड द बोर्ड एडेड। तो वही चीज़ है जो पहले के लिए था, कि अगर एवरेज जिसमें जो अच्छा होगा, बेस्ट टू, यानी जिस दो सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स होगा, वही मार्क्स आपको जो 2 सब्जेक्ट बच गया है उसमें दिया जाएगा बस। और नेक्स्ट है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर ओनली 1 और 2 एग्ज़ाम्स, द असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्क एंड क्लास प्रोजेक्ट्स। Such students who are mainly from Delhi also have the option of taking the written exams at later date. ठीक है, तो जो दिल्ली के लिए है वो शायद ले सकता है, या फिर यहाँ पे तो वही लिखा हो, जो लिखा हो वही मैं बता रहा हूँ। और अगर जो जिसका ज़्यादा एग्ज़ाम बाकी, जैसे दिल्ली के बच्चों का सारा ही एग्ज़ाम बाकी था ड्यू टू COVID-19, तो इसलिए उसका ले भी लिया जा सकता है। किस बेसिस पे, तो प्रैक्टिकल बेसिस पे, क्लास प्रोजेक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो वो अब हम लोगों के लिए नहीं है, वो दिल्ली के बच्चों के लिए है। तो दिल्ली के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा शायद प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों के लिए, तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो CBSE बहुत कुछ करेगी। तो ये था उनके लिए, उनके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, CBSE क्लास 10 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विल टू बी सेंट इन द डीजी लॉकर अकाउंट। डीजी लॉकर गाइज एक ऐप है, वो सरकारी ऐप है, यानी गवर्नमेंट ऐप है, पूरी तरह से सिक्योर ऐप है। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसमें आपका हर चीज़ का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका गवर्नमेंट कार्ड बना होगा, सर्टिफिकेट बना होगा, वो तो इसमें रहेगा ही। और इसमें ही CBSE क्या कर देगा, सर्टिफिकेट भेज देगा, मार्कशीट भेज देगा इसी ऐप में। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, कैसा काम करता है कैसा नहीं करता है। नेक्स्ट, सो फार CBSE हैज़ डिक्लेयर क्लास 12 रिजल्ट, वो तो 12 के बारे में है तो उसे छोड़ दीजिए। यानी इससे पूरा पूरी हमें मेन ब्रेकिंग न्यूज़ क्या मिलता है, क्लास 10 का रिजल्ट कल निकाल देगा CBSE गाइज। क्लास 10 वाले बच्चे चकन्ने हो जाएं, यानी कल निकलेगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और
इससे पहले भी मैं ये CBSE और ये जो रिजल्ट होगा किस किस साइट पे आएगा, CBSE के ऑफिशियल साइट पे आएगा, cbserizult.nic.in पे, ठीक है। इस पे वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है गाइज। अगर आप फ्री फायर भी खेलते हो तो मेरा एक फ्री फायर का भी चैनल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बाय बाय गाइज, और भी अगर जैसे ही निकलेगा मैं वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपको एकदम सबसे पहले मिलेगा। और बेल आइकन जो पास में बन के आता है उसे दबाइएगा, तब ना आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है गाइज। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।